नमस्कार दोस्तों, एटी स्टडी ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो निफ्टी की और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो बैंक निफ्टी को देख लीजिए, बैंक निफ्टी का हमारा मोटिव यही था कि जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, इसके ऊपर जब भी मार्केट निकलेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग 51,145 की, ठीक है, फाइनल क्लोजिंग, ठीक है, 143 की। और मार्केट को देखिए अब क्या कर रही है मार्केट। हाँ, हमारा मोटिव ये था कि इसके ऊपर निकले तो ये टारगेट रहेगा। अब इसके ऊपर जब भी निकलेगा मार्केट तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। पहला टारगेट हाफ हाफ लेके चलेंगे, मैंने आपको बोला था कि हाफ हाफ लेके चलेंगे, ये होगा 51,900 ऊपर का, 51,900 का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आएंगे तो टारगेट यहाँ तक का होगा। अब देखिए मार्केट को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि मार्केट में क्या है। मार्केट में डे चार्ट पे एक चीज़ देखने वाली है, डे चार्ट पे एक चीज़ देखने वाली है कि जो ट्रेड लाइन है ना, ये जो ट्रेड लाइन बन गई है, ये ट्रेड लाइन बन गई है। जब भी मार्केट अब इसके नीचे और ये काट के जब भी फॉल करेगा नीचे को, बड़ा फास्ट मूवमेंट में करेगा, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेगा। बाइंग आने के लिए यहाँ कंसोलिडेट अच्छा हो गया है, 1, 2, 3, 4, 5 दिन का कंसोलिडेट है। कंसोलिडेट के बाद ऊपर को निकलेगा तो फास्ट मूवमेंट में 51,937 तक जाना चाहिए अगर मार्केट निकलता है इसके नीचे। लेवल है नीचे के लिए 50,800 का लेवल, नीचे की तरफ को निकालती है तो मार्केट फास्ट मूवमेंट में ये नीचे की तरफ को आएगी, जिससे लेकर आएगी ये 300, 350, 400 पॉइंटों के फास्ट करेक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। ये है डे चार्ट पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमारा यही था कि ट्रेड लाइन को ब्रेक करे, जो ट्रेड लाइन अब बनकर तैयार हो रही है सर से। तो ये कंसोलिडेट के बाद था, ये कंसोलिडेट के बाद था कि मार्केट इससे ऊपर निकलेगी तो आगे की तरफ एक मूव करेगी। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद यहाँ से थोड़ा वेट करती है, वेट करने के बाद कोशिश करती है ऊपर जाने के लिए, मगर बायर इसे अच्छे तरह ऊपर नहीं ले जा पाते हैं, यहाँ पे जाकर मार्केट रुक जाती है। देखो कितनी देर वेट किया है, कितनी देर वेट करने के बाद मार्केट वापस आती है, कहाँ तक आती है, ट्रेड लाइन तक सपोर्ट बनाती है, उसके बाद यहाँ ही सपोर्ट बनाती रही, उसके बाद ही ब्रेक करिए, ठीक है। मगर अब कल देखना है, कल करना क्या है बैंक निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी की भी बात करेंगे, निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो निफ्टी की भी बात करेंगे। अब मार्केट जिस तरह से गिर रहे, मार्केट ओपन हो इसी बीच में, इसके ऊपर हो और इसके नीचे ही हो, इसी बीच में ओपन हो, और ओपन होने के बाद मार्केट इसी में थोड़ा सा वेट करे, कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ को निकले तो पहला टारगेट ये होगा जो लेके आएंगे मार्केट को नीचे की तरफ को सेलर, क्योंकि ट्रेड लाइन का ब्रेक होगा ना तो अच्छा फास्ट मूवमेंट होगा, ठीक है। ट्रेड लाइन का ब्रेक हो रहा है जिस तरह से, और ये लेवल मिले ना, इसमें एंट्री मिलेगी, इसमें अच्छी एंट्री मिलेगी, ये सेलर के एसएल कटेंगे और उसके बाद नीचे की तरफ को आएंगे तो पहला टारगेट ये होगा, ठीक है, और दूसरा टारगेट हमारा यही आएगा आसपास, ठीक है, ये होगा। ये चीज़ देखने है हमें। अब चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं मार्केट में स्कैल्पिंग कहाँ करनी होती है, ठीक है। स्कैल्पिंग कहाँ करेंगे अब ये देख लो, ठीक है। अगर मार्केट ये सपोर्ट मान लो, ठीक है, ये सपोर्ट है, इसके ऊपर हो, ओपन होती है यहीं पे, और यहाँ थोड़ा सा वेट करने के बाद नीचे की तरफ को फास्ट निकलती है, तो ये हमारा टारगेट रहेगा स्कैल्पिंग के तहत, ठीक है, ये यहाँ करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और मिलती है यहाँ, यहाँ कोई हमें 15 मिनट के कैंडल शूटिंग स्टार टाइप में मिल जाए और उसे ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ को निकले तो हमारा पहला टारगेट फिर ये होगा, यहाँ कोई नेगेटिव कैंडल मिले ओपन होने के बाद और उसके बाद उसे ब्रेक कर दे, कोई शूटिंग स्टार टाइप में कैंडल हो और उसे ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद हमारा टारगेट ये होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा देखेंगे, वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है, स्कैल्पिंग के तौर पर, ठीक है। निफ्टी की बात करें, निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ होगी, निफ्टी को मैं पहले ही बता के चल रहा था, पिछली वीडियो आपने हमारी देखी भी होगी, तो मैं कह चल रहा कि ये इस बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं करना, इसके ऊपर जब भी ओपन होगा, ओपन होने के बाद उसका हाई निकालेगा तो उसके ऊपर टारगेट हमारा ये होगा, टारगेट 25,080 का लेवल लगा चला था मैंने, 25,100 क्यों बोला था ये भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि साइकोलॉजी रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, वो देखना, ठीक है। अब ऊपर की तरफ, अब इसका हाई देख लो ज़रा, एक मिनट, ये इसका हाई देखो, हाई है 25,129 का, ठीक है। अब 100 लेवल इसीलिए लेकर चल रहा है, 25,100 लेकर पकड़ कर चल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर निकलेगा तो वो हमारा रेजिस्टेंस होगा, उसके एकदम से फास्ट मूवमेंट ऊपर को नहीं करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद फिर वापस नीचे कहाँ आ गया, 25,044 तक। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट को ये बिहेवियर देखना है, मार्केट करेगा क्या, मार्केट अब स्ट्रेट लाइन को लेकर चलो,
ठीक है। अब हमें ये ट्रेड लाइन थोड़ा ध्यान रखनी है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, और इस बीच में मार्केट ओपन होती है इसके ऊपर, इसके, ठीक है, और इसी बीच में ओपन होती है। एक तो इसका हाई ना निकाले अभी और इसका लो ना तोड़े, ठीक है, इसी बीच में ओपन होती है। ओपन होने के बाद नीचे की तरफ को ब्रेक करेगी तो स्कैल्पिंग बनेगी छोटी सी क्वांटिटी में, ठीक है, और जब इसका लेवल काटेगी तो हमारा टारगेट नीचे की तरफ को लिए होगा वापस 24,850 का लेवल होगा नीचे की तरफ को, इसी जोन में आने की कोशिश करेगी मार्केट, ठीक है। देख लो दोबारा से देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ देख लो अच्छे से कि जब भी मार्केट इसके नीचे निकलेगी ना, इसके नीचे निकलेगी तभी नीचे की तरफ को निकलेगा, क्योंकि अब ये लेवल भी काटना बहुत ज़रूरी है, अभी ये लेवल भी काटना ज़रूरी है, क्योंकि ASL 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 और यहाँ पे बाइंग एरिया बन जाएगा। फिर अगर यहाँ पे कोई आके नीचे को ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ को फास्ट ट्रेड करेंगे, उस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। बाइंग तरफ को जाने के लिए मैं आपको बता के चल रहा हूँ, पहले 25,100 लेकर चल रहा था मैं, 25,150 का पॉइंट, 25,150 लेकर चलूँगा कि उसके ऊपर निकले तो बाइंग एरिया जाएगा ऊपर की तरफ को, वरना इसके आसपास हम बाइंग करेंगे, यहाँ पर आकर बाइंग करेंगे। अगर यहीं ओपन होती है गैप डाउन होने के, यहाँ पर बाइंग करेंगे, ठीक है, यहाँ सेल करने की कोशिश करेंगे थोड़ा वेट करने के बाद। इस एरिया में कोई ट्रेड नहीं होगी, ठीक है, इस एरिया में थोड़ा ध्यान से देख लेगा, इस एरिया में कोई ट्रेड नहीं होगी, अब कोई ट्रेड नहीं होगी, इसमें कोई काम नहीं बचा अब करने के लिए, ठीक है। टेक्निकल ही चलेंगे, टेक्निकल का बेस ही बनाएंगे। 15 मिनट पर निफ्टी को आपको पता चल गया होगा कल मार्केट में करेगा निफ्टी, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जब भी मार्केट में, अब इसको और हटाओ, ठीक है, हाँ, मार्केट में ये कैंडल का ध्यान रखना, ये जो कैंडल बन गई है ना, ये और ये कैंडल, ये इनडिसाइड कैंडल है, किधर कोई मूव नहीं दिखाएगी अभी, इससे थोड़ा वेट करें, और वेट करना बनता है, वेट कर अगर कर जाए ना इसके बीच में, इन कैंडलों के बीच, इस कैंडल के बीच में अगर वेट कर जाए, वेट करने के बाद नीचे की तरफ को ब्रेक करे, उसके बाद मजा आएगा मार्केट में काम करने का काम, ठीक है, फिर होगा फास्ट मूवमेंट, बड़ी कैंडल बननी है नीचे की तरफ को, अगर इसके नीचे की तरफ को ब्रेक करेगा तो। अब बाइंग आने के लिए तो भाई वापस 25,150 का लेवल होगा बाइंग तरफ देखेंगे, ठीक है, 25,500 का बस यही होगा लेवल मार्केट में, और कुछ नहीं होगा, बस इतना ही है मार्केट में अभी तो, कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। बाकी 5 मिनट पर स्कैल्पिंग है छोटी छोटी, अगर कोई स्कैल्पिंग करना चाहता है तो स्कैल्पिंग रहेगी, ठीक है, वो चीज़ देख लेना। स्कैल्पिंग कैसे मैं बता दूँ एक चीज़ आपको, इस एरिया में, हाँ, इस एरिया में कल को अगर मार्केट आ जाती है यहाँ पे, अगर यहीं ओपन होती है, ओपन होने के बाद थोड़ा सा वेट करे, और वेट करने के बाद वापस ऊपर की तरफ को निकले तो ये स्कैल्पिंग होगी। नीचे की तरफ को ब्रेक करा तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, तो ये चीज़ देखनी है बस, बाकी कुछ नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जोर दबा दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।